बहुत धन्नवाद करता हाँ। जिहड़ा शाही परिवार कदे कदे गेड़ा मारदा सी आउंदा सी इत्थे रहिंदे रहे, हुण उह पक्के तौर ते ही उन्होंने मन बना लिया कि असीं इत्थे रहांगे। नाभा शहर का अपना एक वखरा इतिहास है। नाभा शहर के महाराजा रुपदमन सिंह दे हीरा महल दे विच गुरुआं दीआं कई निशानियां भी पईआं ने। तुहानूं दस दईए कि हीरा महल काफ़ी लंबे समय तो बंद पिया सीगा, पर हुण महाराजा रुपदमन सिंह दे वारस इत्थे रहण लई आए ने, जिन्हां दा शहर वासियों वल्लों भरमा स्वागत किया गया। इत्थे हीरा महल दे विच पक्के तौर ते रहण नूं लै के महाराजा रुपदमन सिंह दे वंश भानू प्रताप अते उसदे परिवार दा की कहना है, आओ तुहानूं वी सुणाउने आ। भानू प्रताप सिंह, आप जहाँ वो पक्का रहेंगे? यहाँ हाँ, हम यहाँ नाभा में रहेंगे, हीरा महल में। ठीक है, यहाँ आके कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, अपने जगह पे आके। तो नाभा वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? नाभा वासियों से ये अपील करना चाहेंगे कि हाँ, हमारी सपोर्ट करें और हमारे साथ बने रहे। आपको नहीं अभी ठीक करवा रहे हैं, तो हौली हौली सब ठीक हो रहा है। नहीं है, सारी बात बताइए। हम यहाँ बिल्कुल पक्के तौर पे रहने आए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम ऊपर का सब ठीक करके, पोषण को ठीक करके, हम जो गुरु महाराज ने हमें जो बख्शिशें दी थी हमारे परिवार को, उसको वापस यहाँ पे हम स्थापित कर पाएँ। और आप सबसे गुजारिश है कि आप सभी इसमें हमारा साथ दें और हम उसको जल्द से जल्द यहाँ लाना चाहते हैं। नाभा यहाँ से कोई मुश्किल तो नहीं आ रही आपको? नहीं, ऐसे कोई मुश्किल नहीं आ रही, आप सबका साथ मिल रहा है। कोई नाभा वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जो गुरु महाराज की बख्शिशें हैं उसको वापस लाने में हमारे साथ रहें, हमारी मदद करें। हाँ जी, कुछ जल्दी अगले समागम कोई करवाना चाहेंगे? जी अभी थोड़े दिन में हम अखंड पाठ रखने वाले हैं, मैं डेट बता दूंगी अभी डिसाइड नहीं किया है, तो उसके लिए सबको मैं बोलना चाहती हूँ कि सब लोग आएँ अखंड पाठ में। हाँ जी, जहाँ आपको कैसा महसूस हो रहा है आपको? हमेशा मैं यहाँ आती हूँ, मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, और इस बार तो मेरे बच्चे की मदद से हम यहाँ रहने आए हैं। पक्के तौर पे रहेंगे? हाँ, पक्के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ कोई मुश्किल आपको? सब मदद करने आ रहे हैं, सब कोई ना कोई सलाह देते हैं, मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। वो तो हमेशा इच्छा थी कि जो गुरु ने हमारे परिवार को दिया वो हम यहाँ ले आकर स्थापित कर पाए। नाभा वासियों से कोई अपील? नहीं, यही अपील, हम सिंपल लोग हैं, हम सिर्फ ये परिवार से जुड़े हैं, नाभा परिवार से, और हमारे साथ दे जो भी हम कर रहे हैं वो हम गुरु महाराज के लिए कर रहे हैं, और हमेशा गुरु महाराज का हाथ हमारे साथ हो। और क्या? हाँ, अखंड पाठ तो हम कराएंगे, यहाँ थोड़ा सफाई हो, क्योंकि महल बहुत बुरी हाल में है, तो अब थोड़ा सफाई हो फिर हम थोड़ा पाठ करेंगे, वो शुरुआत होगी, फिर गुरु की मर्जी और सबके साथ से हम गुरु के रिलिक्स को ले आएंगे यहाँ। महाराजा रुपदमन सिंह दे वारसां दा हीरा महल दे विच मुड़ तो आउणा ते इत्थे रहण नूं लै के इलाका निवासियां दे विच खुशी दी लहर है। इस नूं लै के तेजेंद्र सिंह रोहटा अते होर इलाका निवासियां दा की कहना है, आओ तुहानूं वी सुणाउने आ। हां जी, की कहना चाहुंदे वीर जी? महाराज साहिब दा परिवार इत्थे रहण आया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब नूं पहलां मैं महाराजा परिवार नूं वधाई दिंदा, ओह हीरा महल दे विच पक्के तौर ते रहण लई आए ने, ते बड़ी खुशी दी गल है। सारे हीरा महल इलाका निवासी, शहर निवासी, सारयां दे विच खुशी दी बहुत लहर है भी उह हीरा महल दे विच पक्के तौर ते रहण लई आए ने। साफ सफाई चल रहा है, महाराज दे प्रकाश हो गए, ते कल नूं अखंड पाठ साहब स्टार्ट होणगे सवेरे 9 बजे, ते सारयां नूं बड़ी खुशी दी गल है, उत्साह है, साफ सफाई हीरा महल दा हो रहा है। नाभा वासियों को अपील करनी चाहुंदा भी जो भी अखंड पाठ साहब के भोग पैणगे प्रकाश करने वेले भी हुम हुमा के संगत पहुँचे, भोग ते तां पहुँचनियों पहुँचनी है जी, ते अजे शहर दे विच पता नहीं लग्या, असी थोड़े चैनल राही कहने आ भी सब नूं पता लगे, सारी संगत देखण लई हीरा महल पहुँचे। परिवार इत्थे रहण आया जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं प्रीतम सिंह संधु हीरा महल दे रहण वाला हाँ। मैं बहुत धन्नवाद करता हाँ, जिहड़ा शाही परिवार कदे कदे गेड़ा मारदा सी आउंदा सी इत्थे रहिंदे रहे,
हूँ वह पक्के तौर पर ही उन्होंने मन बना लिया कि अस इत रहे और पक्के तौर पर रिहायश करा नाभे के लोगों रल मिल के घुल के सारा कुछ नाभे के हिस्सा पूरा लवेंगे तो बाकी हैगा इतने गुरु महाराज दख्शा लिया असी अपना तन मन धन सब ला देंगे तो इतने लैके आवेंगे जड़िया साढ़े तो बिछड़ गई उन्होंने फिर बहाल करा भी ताकि नाभे के शहर का ना उच्चा हो लोग दर्शन करन ते धन धन होवे इलाके च भी सच मैं सच्चे पातशाह के असी यही अरदास करते हैं भी हुण साडे अंग संग रसाई रहे इत्थे महाराजा प्रताप हीरा सिंह दे बेटे रुपदमन सिंह नूं जिन्हां नूं अंग्रेज़ां ने रैसट करके लै गए थे और वह जी खालसा पंथ देन दे नहीं सकता उन्होंने आनंद कारज दे रसम दा कानूनी हक खालसा नूं दवाया ते आप ग्रेयां तो आकी हो के ते अकाली कालियां पगड़ियां बन के सारा किया रोस किया डीसी के खिलाफ उन्होंने फिर इन्होंने अरैसट किया अरैसट करके कोडे कनाल ले गए और उत्थे ही वह शहीद हो गए समझो तो बाकी यह है ये परिवार हुण उन्हां दा अगे महाराज प्रताप सिंह बेटा सी उहदे परिवार दे विचों जिहड़ा बड़े तो छोटा बेटा है हिम्मत सिंह महाराजा हिम्मत सिंह उहदे धर्मपत्नी महाराणी उमा ते उमा प्रताप सिंह जिहड़ी हैगा फिर एक उहनां दी नूह बानू प्रताप सिंह उन्हों का पोता महाराजा प्रताप सिंह का बानू प्रताप सिंह तो उन्होंने नूँह प्रीति बानू प्रताप सिंह तो एक उन्हों का बेटा अबेडे वो आए ने और उन्होंने ये किया बेटा अपन मोटी छोटी उम्र च ही मोटिवेट करके लिया है। मैं हीरा महल का निवासी हाँ तकरीबन 1975 दे विच मेरे फादर ने इत्थे मकान बनाया सी असी सारे इत्थे शिफ्ट कर गए सी मेरा घर बिल्कुल हीरा महल के नाल लगता तो असी उदों दे बचपन तो देखते आ रहे हैं कि हीरा महल की उपरली मंजिल ते गुरद्वारा साहब स्थापित सी इत्थे दशम पातशाह दीआं जिहड़ियां बख्शिशां बख्शियां होईआं सी छेवीं पातशाही नौवीं पातशाही इत्थे पईआं सन ते रोग रैगूलर दर्शन करदे सी 1967 च परमानेंटली लोगों लिए ओपन हो गया सी ते महाराजा प्रताप सिंह जिहड़े महाराजा प्रतापी राजा सी उन्होंने ये दो ट्रस्ट हीरा महल के बनाते सी निचले पोर्शन नूं महाराजा प्रताप सिंह ट्रस्ट जिहदा कि पोजैशन PPS नूं देता सी कि इत्थे एजुकेशन परपज़ लई इहनूं यूज़ करो तो उपरला पोर्शन गुरद्वारा साहब बनया होया सीगा लोग उत्थे रैगूलर देख प्रसाद बनता सी ते नितनेम पाठ हुंदा सी ते पर 2002 दे विच कुछ अचानक कुछ ऐसे व्यक्ति नाभे दे जिन्हां ने दिमाग लगाया कि इहदे विचों करोड़ां रुपया बन सकदा है जिहड़े वंशिश ने उन्हां नाल रल के इहदे गलत पेपर तैयार कर ले गलत पेपर तैयार करके 151 नंबर जिहड़ा कि खसरा नंबर गलियां मुहल्लियां दा महाराजा साहब दे नाम खड़ा सी उहदियां फरदां लै के 163 जिहदे विच खसरा नंबर दे विच महल सी उहदी रजिस्ट्री दिखा के इहनूं एक एग्रीकल्चर लैंड दे विच उहदियां रजिस्ट्रियां करा लईआं जिहनूं असीं बड़े लंबे समें ते बाई गुरमेल सिंह जी लड़ाई लड़ रहे सीगे ते बाबा दीप सिंह जिहड़ी चैरिटेबल सोसायटी ते नाभा पब्लिक सोसायटी इहनूं लड़ रही सी ते उहदे विच इक बहुत वड्डी जित प्राप्त होई जदों गुरू साहब दीआं बख्शिशां सारे पंजाब लई खुले दर्शनां लोगों लई आईआं ते लोगों ने खुले दर्शन प्राप्त किए पर यह लड़ाई संघर्ष उदों तक जारी है जदों तक कि मुड़ तो जिहड़ा हीरा महल है उपर उस तरीके नाल गुरद्वारा साहब नहीं बनया जाता हुण महाराजा साहब का यह विचार है उन्होंने जिहड़े वंशिश ने इत्थे आए ने कि इहनूं मुड़ तो उही हालात च लिआता जाए तो लोगों नूं दर्शन कराए जाण ते बख्शिशां लैके आए। नाभा तो गुरतेज सिंह थूही की रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। नाभा तो गुरतेज सिंह थूही की रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो बैल आइकन ते क्लिक करो। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे ज्ञानी साहब सिंह जी शाहबाद मारकंडा वाले नाल करो सिद्धी गलबात ते जाणो गुरबाणी दे अर्थ। रोजाना पाठ करन वाले ये प्रोग्राम जरूर देखण ते गुरु साहब दीआं असीसां दे पात्र बनन। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम गुरबाणी ज्ञान ऐतवार सवेरे 7 तों 8 बजे तक D5 चैनल पंजाबी ते।